तो भाई अपनी मेट्रो आ चुकी है, चलते हैं। सही लग रहा है, स्टील का भी है, तो हम भी लेते हैं। अच्छा है, टेस्टी है। अच्छा है। ये जैसे शीशे देख रहे हो ना, अब ये लाइट चेंज हो रही है शीशे के अंदर भी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज मेट्रो स्टेशन से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताना? घर का सामान लेने, नए घर में जाएंगे तो नया नया सामान लाएंगे ना। अच्छा, आज बच्चे भी नहीं आए, आज गर्मी भी हो रही है और वैसे इतना अच्छा मौसम हो रहा था इतने दिन से। तो भाई आज हम दोनों जा रहे हैं नए घर के लिए शॉपिंग करने के लिए। देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। ब्लॉग में बने रहना। और कुछ बोलना है आपको? आज भी हम पहले की तरह अकेले जा रहे हैं, दोनों मियां बीवी बच्चे तो भाई अपनी मेट्रो आ चुकी है, चलते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं मंडी हाउस अपना, अब चलते हैं यहाँ से चेंज करके चांदनी चौक। तुम्हें पता है कहाँ चेंज करनी है? मुझे नहीं पता भाई, इसे पता है कहाँ चेंज करनी, कहाँ करनी है? मुझे जाना है यहाँ से। यहाँ से? तुम तो कह रहे थे कि पूछ ले, पर मुझे पता है भाई, इसको सब पता है, ये बहुत सफर करती है मेट्रो के अंदर। तो भाई ये देखो, ये जा रही है नए घर के अंदर, बहुत खुश है ये नए घर में जाने से। सब कुछ होता है, सही बात है। जैसे घर होता है प्रॉपर वैसा बना हुआ है। भाई मेट्रो भी आ गई है अपनी। गाइस टिकट ली थी हमने कहाँ की, और उतर गए हम गलत मेट्रो स्टेशन पे। जहाँ उतरना था वो तो हमें पता ही नहीं था, और दूसरे स्टेशन पे उतर गए। इसकी वजह से ये सारी गड़बड़। चांदनी चौक का कुछ स्टेशन है। भाई पूरी मेट्रो है खाली। गाइस देखो कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने लाल किला बना रखा है मेट्रो स्टेशन के अंदर, पोस्टर लगाया हुआ। हाँ हम लोग लाल किला आए हैं ना, इसलिए सेम मस्त बना रखा है। चले फिर अब एग्जिट करें। गाइस आज ये नए सूट के अंदर आई है एकदम, है हमेशा पुराना पहन के हैं। हाँ हमेशा ये पुराने में आती है, आज ये नए सूट में आई है एकदम। दो चार सूट हैं, एक दो भी, एक भी नहीं। हाँ और अल्लाह का भी बहुत बहुत शुक्र है, और देने वालों का भी बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे मम्मी पापा जिन्होंने दिया है, क्योंकि वो दिया है हमें घर इतना महंगा। सही बोला। तो भाई थैंक यू इनके मम्मी पापा को, हमारे सास ससुर जी को, अल्लाह उनको भी बहुत खुश दे। बिल्कुल आमीन आमीन। तो भाई एक पेंटिंग बना रखी है यहाँ पे, मेट्रो स्टेशन है क्या है ये? हाँ ये तो गुरुद्वारे का पोस्टर का है, ये सामने देखो ना, पोस्टर गुरुद्वारे के हैं। कितने छोटे छोटे से लोग लग रहे हैं। तो भाई रोज तो मौसम रहता है ठंडा, और आज हम लोग आए हैं बाहर, तो आज ही गर्मी हो रही इतनी ज्यादा। चांदनी चौक में पूरा जाम लगा पड़ा है। तो भाई फाइनली चांदनी चौक तो पहुंच चुके हैं। चांदनी चौक पहले इस रोड पर ना बहुत गाड़ियां आती थी, बहुत जाम रहता था, इन्होंने ऐसा बना दिया कि अब यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं आ सकती। और ये चांदनी चौक का बहुत पुराना मंदिर है ये, यहाँ पे ना हम लॉकडाउन में बहुत आए थे, बहुत चक्कर मारे हमने। हाँ अब तो सारा फाइनल हो गया यहाँ का काम। पहले इस रोड पर इतनी भीड़ रहती थी ना, इतनी भीड़ कि गाड़ी फंस जाती थी ना, एक बार तो निकलती नहीं थी आधा आधा घंटे तक लोगों की। तो भाई इस मार्केट में हमेशा भीड़ रहती है, कभी भी आ जाओ बहुत भीड़ है आज भी, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। रोज मौसम ठंडा रहता, आज हम लोग आए तो आज ही गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, धूप हो रही है। यहाँ भी डेकोरेशन का सामान मिल जाएगा भाई तुम्हें, बहुत सारे लाइटें वाइटें। भाई ये देखो पेंटिंग भी बड़ी मस्त मस्त पेंटिंग है, सारे घर के डेकोरेशन के सामान है जितने भी हैं। हाँ ये रियल लग रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे बाहर निकल रहा है फोटो से। क्या पसंद आ गया? अच्छा लग रहा है, ये आते टाइम देख लेंगे। गाइस ये जो बैंक है ना, दिखाता हूँ आपको, भारतीय स्टेट बैंक चांदनी चौक का सबसे पुराना बैंक है ये, सबसे पुरानी बिल्डिंग है ये। तो भाई ये आ गई मार्केट अपने, जिस मार्केट में हमें काम था, ये वाली मार्केट है वो। लाइट वाइट सब यहाँ मिलेगी अपने को, मस्त मस्त झूमर उमर। चलते हैं इस दुकान में, चलो। गाइज ये पूरी मार्केट ही लाइटों वाइटों की है। क्या हुआ? हाँ तिलक नगर से तो थोड़े रेट ठीक है, फिर भी यहाँ के वहाँ तो डबल मांगते हैं। क्या? चलो चलो आओ, जिस पे चलना है। भाई हम आ चुके हैं पंखे की शॉप पर, अलग अलग डिजाइन के बहुत सारे पंखे हैं। चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं। तो भाई आ गए अपने सामान लेने के लिए। ये क्या है? ये ना वहाँ पे खराब हुआ है। हाँ तो कोई नहीं, ले लो एक ये। ये देख लो भाई, ये है अपने डेकोरेशन के सामान घर के। लाइटें लाइटें हैं, मतलब मस्त मस्त झूमर है यहाँ पे। देखते हैं हमें कौन सा पसंद आता है। सही लग रहा है। स्टील का भी है इसमें। कैसा है? ग्रे कलर अच्छा लग रहा है। भाई फाइनली अपने ले चुका है अपना सारा सामान। क्या क्या लिया है? ये सारा कुछ ले लिया, जितने भी अपने सामान है सारे। जो हमें याद था वो हमने ले लिया, बाकी बचेगा तो अगली बार एक चक्कर और लगा लेंगे। सारा स्टील का लिया है हमने, जितना भी सामान लिया ना सब स्टील का लिया है हमने। कोई प्लास्टिक व्लास्टिक का, मतलब प्लास्टिक के कम लिए हैं हमने, कम लिए हैं हमने, लेकिन स्टील के ज़्यादा सामान है। काफ़ी सारे झूमर हैं इस दुकान के अंदर। चलो अंदर। देखते हैं कौन सा। फिर आएगा भाई, ऊपर वाला दिखाते हैं। फिर आएगा नेचुरल। ये दिखाते हैं ना, इस पे पता चलेगा ना लाइट का। ये मुंबई है। हाँ ये वाइट है। अच्छा दूर। फिर दोनों मिला के नेचुरल। अच्छा भाई बहुत सारे झूमर देखे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन कर रहा है ये भी ले लें, वो भी ले लें। ये देखो हर जगह अलग 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 है, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा ले कौन सा ना ले। भाई एक दुकान मिस दिखी है यहाँ पे, इसमें बहुत प्यारी प्यारी लाइटें हैं, कलरफुल है सारी। ये तो फ्रेम है ना, तो भाई फाइनली ले ही लिया हमने झूमर। बहुत टाइम लग गया है। हाँ जी रेल बन गई।
गर्मी हो रही है आज बहुत तेज। तो भाई हमने ये वाले झूमर लिए हैं हमने, इसमें रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं और म्यूजिक भी है। भाई ये कैसी अंधेरी गुफा जैसी है, ऊपर भी है। भाई अपने को लगने लगी है भूख, अब खाते हैं यहाँ पे भल्ले पापड़ी। शॉपिंग तो अपनी चल ही रही है। तो भाई आ गया मज़ा, टेस्टी है, खा के देखते हैं गाइस कैसा है। इनके पास है ना कांजी वड़ा भी है। का क्या कांजी वड़ा भी इनके पास, सब खाते हैं, मैंने सोचा हम भी लेते हैं। अच्छा टेस्टी है, अच्छा है। गाइस देखो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं ये, पूरा पत्ता साफ करेंगे। मैंने कहा फेंक देती हूँ, तो इन्होंने कहा नहीं मैं खा लेता हूँ, पी जाता हूँ। बस ऐसे तो ले रहे ही नहीं थे, मैंने ले लिया तो पूरा ही फिनिश करोगे। दुकानों में से इस दुकान में हमें थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि इस दुकान के थोड़े रेट भी रिजनेबल लगे बाकी दुकानों से। तो भाई हमने ले लिए हैं हमारे झूमर, चेक करो अच्छा लग रहा है ना। अभी इसमें कलरफुल लाइटें भी जलेगी, म्यूजिक भी है, म्यूजिक भी है। कलरफुल कहाँ है, तो भाई अपने डब्बे में पैक आ गए व्हाइट ब्लू पिंक रेड। ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके। और म्यूजिक तो बोला है। तो भाई झूमर तो अपने ले लिए हैं, दोनों डब्बों में पैक हो चुके हैं दोनों झूमर अपने। अब वो खुशी की मम्मी देख रही है अंदर कुछ और लाइट वाइट, शायद पता नहीं कौन सी लाइट पसंद आ गई उसे। तो भाई शॉपिंग वॉपिंग तो अपनी सारी हो चुकी है, बीच में रास्ते में हमें दिख गया एक जुलूस। यहाँ तो घोड़े भी आवाज कर रहे हैं, घोड़े भी नाराज हो रहे हैं, आवाज कर रहे हैं जैसे नकली घोड़े आवाज करते हैं ना। देखो वहाँ जाकर देखो। तो भाई पता नहीं किस चीज का जुलूस निकल रहा है यहाँ पे। न्यूज़ रिपोर्टर आए हुए हैं, वहाँ बहस चल रही है। किस चीज़ की बहस हो रही है भैया बता रहे हैं? रोजगार की बहस हो रही है ना भैया यहाँ पे, यहाँ भाई काम को लेके हो रही है बहस। रोजगार का मतलब क्या होता है? अरे मैं पूछे करता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोजगार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूछे जरा बताएं। तो भाई अपना आ चुका सामने लाल किला, अब चलते हैं अपने घर की तरफ। भाई चांदनी चौक में लाइटें जलने के बाद है ना कुछ इस तरीके का दिखता है मस्त एकदम। और हम कौन से नंबर, गेट नंबर से निकले थे? हम 4 नंबर से निकले थे, रोड पार करना पड़ा था। हाँ अब हम जाएंगे 1 नंबर से। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे 1 नंबर गेट है, रोड पार भी नहीं करना पड़ेगा। सही कह रही है, मैं गलत गया था उस टाइम, देख लिया तुम अभी वहीं लेकर जा रहे थे। और भाई अपने झूमर ये दोनों डब्बों में पैक है, और ये थोड़ा वो सामान लिया। हमने पंखे नहीं लिए, पंखे हम लेंगे कहाँ से, सीतापुरी से। तो भाई पंखे उनके लेंगे अपने घर के, सेम रेट है, कोई ज़्यादा रेट में फ़र्क नहीं है। तो अपने सीतापुरी से लेंगे पंखे। सब टिकट के लिए तो यहाँ लाइनें लगी पड़ी है बहुत लंबी लंबी। भाई देखो ये चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, और वो तो जा रहे हैं दोनों झूमर पकड़ के, वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत वजन है इन दोनों के अंदर। तो मेरे हाथ में भी तो सामान है थोड़ा, 10-10 किलो वजन है इन दोनों में। ये वाली है मेट्रो भी हमारी आ गई है, पता नहीं दोनों में से कौन सी है किस में जाएंगे।
भाई इतने थक चुके हैं ना, इनका पसीना देखो, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ऊपर वजन बहुत है इनमें। और हाथ भी दिखाना, तुम्हारे हाथों का हाल देखो, लाल हो गए एकदम लाल, बहुत वजन है इनमें। चलो तो भाई पंखे की शॉप में आ चुके हैं, कौन सा डिजाइन ले, ये वाला या ये वाला। इतना थक चुके हैं, आते भैया से हमने यहाँ पानी मंगवाया है, तो भैया पानी लेकर आए, थैंक यू भैया, मजा आ गया। पंखा हमने ले लिया है, ये इतनी दूर से आकर हमने यहाँ पंखा पसंद करा, तो वहाँ भी महंगे ही मिल रहे थे, क्या फायदा इतनी दूर वजन खींचने का, यहाँ थोड़ी पास में कुछ खराब हुई या कुछ भी हुआ तो यहाँ पास में आ सकते हैं। तो गाइस हमने पंखे भी ले लिए हैं, पंखे सही रेट में मिल गए, वहाँ ज़्यादा महंगे बता रहे थे, यहाँ पे हमें मिल गए ठीक रेट के अंदर, इसलिए सही किया हमने, वहाँ नहीं गया था ना, हाँ। और इतने महंगे महंगे बता रहे थे वहाँ पे, यहीं सही रेट में मिल गए हमें, ये सामान लिया भाई हमने, वो और देखते हैं। तो भाई यहाँ आए शीशा देखने के लिए, इनको लाइट वाला शीशा चाहिए, जैसे शीशे देख रहे हो ना आप, ये लाइट चेंज हो रही है शीशे के अंदर भी। यहाँ पे है अपना वॉशरूम, वॉशरूम का सामान, जलाना लाइट, सही है, वो सही लग रहा है उधर वाला, बताओ जल्दी से भैया पूछ कर। तो गाइस फाइनली वाला शीशा ले लिया हमने, इसमें बटन से लाइटें जल रही हैं, हो गया अपना शीशा पैक। एजू आ रहा है और आदिल आ गया है, आदिल क्या कह रहा है? वालेकुम सलाम, जा एजू आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, एजू आ रहा है, देख लो गाइस, एजू हाय हाय, वाओ आओ जल्दी आओ आओ, छोड़ने आया है, चलो बाय कर दो आतिफ भाई को, सामान तो ले लो, रो रहा था, कोई बात नहीं। सो गाइस अभी जो है मम्मी पापा ने थोड़ी ही शॉपिंग करी है, बिकॉज अभी जो है लाइक हम इतना सामान तो ले आए, पर भाई सारा सामान मतलब सामान लाने के लिए पैसा भी तो जरूरी होता है, हर चीज के लिए एक ही चीज होती है पैसा, तो बस गाइस अभी जो हम आधा सामान ही लाया, अभी आधा हमारे को लाना है तो लाएंगे वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। सो बस अभी जो है शॉपिंग हो रही है, हर दिन बाहर के जा रहे, बाहर से जा रहे हर दिन। सो गाइस इस व्लॉग को हम यही पेंड करते हैं, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, माय इंस्टाग्राम, क्लिक द बेल आइकन फॉर माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। तो बस गाइस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।